कहानी है आखिरी विदाई। अरे बेटा, ध्यान से अपनी माँ को तैयार करो। बिल्कुल 16 सिंगार करना उसका, और हाँ, उसकी शादी वाली चुनरी भी जरूर उड़ा देना। अपनी बहुओं को हिदायत देते किशोर बाबू अपनी धर्म पत्नी को निहार रहे थे। सुगंधा जी की आंखें जरूर बंद थी, पर चेहरे पर मुस्कुराहट विराजमान थी। दोनों बहुएं जया और हीना और बेटी नित्या पिता के कहे अनुसार उन्हें तैयार कर रही थी। पूरा आंगन लोगों से भीड़ से खचाखच भरा हुआ था। सब किशोर बाबू को देखकर तरह तरह की बातें बना रहे थे, पर किशोर बाबू इन सब से इतर पत्नी की आखिरी इच्छा कैसे पूरी नहीं करते सो लगे पड़े थे उसे पूरा करने में। कल रात की ही तो बात है, सुगंधा जी किशोर जी से बोल रही थी, लगता है अब नहीं बचूंगी। ये छाती में दर्द बढ़ता जा रहा था। ऐसे कीजिए, मेरे दवा दे दीजिए, खा कर शायद चैन पड़। अपने मेरी हर बात मानी, बस एक आखिरी बात और मान लेना। जब मैं जाऊँ, मुझे जैसे इस घर में दुल्हन बनाकर लाए वैसे ही विदा करना, और जैसे हंसते हुए हम इस घर में आए प्रवेश किए थे वैसे ही हंसते हुए मुझे लेकर जाना। जानते हो ना, रोना धोना मुझे जरा सा भी पसंद नहीं है, किसी तरह धीरे धीरे बोल रही थी। ये फालतू बातें क्यों कर रही हो सुगंधा, तुम्हें मैं जाने नहीं दूंगा। हाथ पकड़कर पत्नी को सुलाने की कोशिश करने लगे। हृदय घात कहा बात कर आता है। सुगंधा जी सोई तो चैन से, पर सुबह उठ नहीं सकी। आस पड़ोस वाले आपस में बात कर रहे थे। बड़ी भागों वाली निकली सुगंधा जी, जितने आराम से इस घर में घर को बनाया, बच्चों को संभाला, और अब अपने घर से बिना कलह विदा हो। सुगंधा जी की विदाई जैसे वो चाहती थी हो गई। घर में किशोर जी के दोनों बेटे और बहू और बेटी रह गए थे। किशोर जी ने सबको पास बुलाया और बोले, ये घर सुगंधा का सपना था, बहुत जानत से सजाया सवारा, नित्या की विदाई कर दी। तुम दोनों को बहू बनाकर इस घर में लाई। बच्चों, जानता हूँ इस घर में तुम्हें जरूर थोड़ा परेशानी भी होती होगी, पर कभी इस घर का बंटवारा मत करना। हम माँ बाप एक घर बनाते हैं अपने बच्चों के लिए, जिसमें साथ साथ प्यार से रहे। सुगंधा ने ये ध्यान में रख कि जब तुम्हारे बच्चे हो तो उन्हें भी दिक्कत नहीं हो, पर मैं सुगंधा के रहते कभी बोल नहीं पाया, दिल की मरीज थी, उसके दिल को दुखाने की गलती नहीं करना चाहता था। तुम लोग को यहाँ अगर दिक्कत होती है तो दूसरा घर ढूंढ लेना, पर मैं इस घर का बंटवारा नहीं करूँगा। पापा, आप ये कैसी बात कर रहे हैं, हमने तो कभी ये सोचा ही नहीं है कि अलग रहने हैं या बंटवारा करना है। ये घर हमारे सपनों का घर है। वैसे ये बात आपके मन में कहाँ से आई, किसने कुछ कहा है क्या, बड़े बेटे ने आश्चर्य से पूछा। नहीं बेटा, बस मैं सोच रहा था, कहीं तुम लोग को किशोर जी बात बिना पूरा किए चुप हो गए, क्योंकि दोनों बहुओं के चेहरे की रंगत उड़ गई थी। कारण भी यही था, ये बात अक्सर दोनों बहुएं की करती थी, जिनकी वजह से ही सुगंधा जी परेशान रहा करती थी, पर बेटों तक कुछ नहीं पहुंचाती थी। किशोर जी और सुगंधा जी आपस में बात कर मन हल्का कर लेते थे। पापा, हम कभी भी अलग नहीं रहेंगे, जब दिक्कत होगी तब देखेंगे, ये मिलकर रहना माँ ने ही सिखाया है। हम दोनों भाई सदा साथ रहेंगे, जैसे बचपन में रहते थे, झगड़ा होने पर मना लेंगे, पर ना इस घर का को छोड़ कर जाएंगे, ना आपको
माँ हमें छोड़कर चली गई, आपको छोड़कर हम नहीं जा सकते, दोनों बेटों ने पापा से कहा। हाँ पापा, हम भी कभी अलग नहीं होंगे, दोनों बहुएं ने समेत स्वर में कहा। जान गई थी कि उनके पति के बीच प्रागण प्रेम को तोड़ने की गलती करने पर नुकसान उनका ही है। किशोर जी ऊपर की ओर ताकते अपनी सुगंधा को देख रहे थे। तुम्हारे सपनों का घर तुम्हारे बेटे टूटने नहीं देंगे सुगंधा, तुम्हें तो अभी जाना नहीं था, बहुओं की बात में आकर रह रही थी। जब बेटा साथ था तो क्यों डर रही थी? हमने कहाँ कोई कमी रखी थी जो ये इस घर को छोड़कर जाते या बंटवारा की सोचते? किशोर जी की आंखों में आंसू ढुलक आए। बेटी नित्या जो सब कुछ से वाकिफ थी पर परवरिश ऐसी की कि बची में बीच में बोलकर कला करना जायज कभी नहीं समझी। जानती थी माँ चली गई है पर मायके की आज पापा और भाई के साथ भाभियों से भी बधी हुई है। जी हाँ दोस्तों, हमारी स्टोरी कैसी लगी? आपको अच्छी लगी हो तो ढेर सारा शेयर कीजिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।